गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। इंस्पिरेशनल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बड़ी खबर आ रही है दोस्तों आपके लिए रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की वेबसाइट से। जी हाँ, आज आरआरबी की वेबसाइट से हम बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी के रिजल्ट के बारे में। जी हाँ, उसी के रिगार्डिंग एक बड़ी खबर है। काफ़ी दिनों से इंतज़ार है ग्रुप डी के रिजल्ट का, और साथ में क्योंकि पिछले हफ्ते भर से कभी 27 को टक्की लगाकर देख रहे थे हमारे कैंडिडेट्स जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, कोई 27 को देख रहा था, कोई 28 को, किसी ने 1 तारीख को उम्मीदें लगाई थी, लेकिन अब वो पूरा जो सिनेरियो है वो क्लियर कर दिया गया है। बकौल आरआरबी उन्होंने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाला है। तो चलिए पढ़ लेते हैं अब कब आएगा वो रिजल्ट। आपके इंतजार की घड़ियां बिल्कुल समाप्त होने वाली है और ग्रुप डी का रिजल्ट अब इस दिन और इस समय आएगा, खुद बताया है आरआरबी ने। जी हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप आरआरबी से जुड़ी कोई भी छोटी या बड़ी अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की किसी भी वेबसाइट पे आप चले जाएंगे तो आपको एक नोटिफिकेशन दिखाई देगा दोस्तों, इस तरह से जो अभी आपको यहाँ सामने दिखाई दिया है। CEN 2/18 डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट फॉर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट लेवल 1 पोस्ट, यानी लेवल 1 की पोस्ट थी आपकी ग्रुप डी की। जी हाँ, उसी के रिगार्डिंग ये नोटिफिकेशन आपका है, चूँकि आपके लिए यहाँ डाउनलोड हो रहा है और इसको मैं पढ़कर दिखा बता देता हूँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड CEN 2/18 लेवल 1 पोस्ट एज पर 7 CPC डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट फॉर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए रिजल्ट जो डिक्लेयर होगा वो कब होगा। तो कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर PET बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कंडक्टिंग ड्यूरिंग द पीरियड 17/9/18 टू 17/12/18, यानी कि 17 सितंबर 2018 से 17 दिसंबर के बीच में, यानी 3 महीने लगातार कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिया था। अब उनका जो शेड्यूल है वो रहेगा आपका सोमवार 4 तारीख को 3 बजे के बाद में। तो ये 3 बजे के बाद में रिजल्ट आने की पूरी संभावना है, लेकिन क्योंकि वेबसाइट क्रैशेज रहेंगी, कुछ दिक्कत भी आएंगी, तो ये तकरीबन 2 या 3 घंटे की देरी से कहीं ना कहीं आएगा और 5-6 इसको बज भी जाएंगे। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि 3 बजे तक रिजल्ट आ जाए। शिवरात्रि के दिन महाकाल आप सभी की इच्छाएं शिव भगवान पूरी करे और आप ग्रुप डी का, जिनका सिलेक्शन कहीं नहीं हो रहा है, जरूर ग्रुप डी में हो जाए। कैंडिडेट कैन व्यू देयर नॉर्मलाइज्ड मार्क्स एंड शॉर्टलिस्टेड स्टेटस फॉर PET बाय लॉगिंग इन थ्रू द लिंक प्रोवाइडेड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ आरआरबी दिल्ली, एंटरिंग देयर रजिस्ट्रेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ इन डेट मंथ एंड ईयर फॉर्मेट। तो उनको करना क्या है दोस्तों, जैसे ही आपने रिजल्ट चेक करना है तो ये होगा, नॉर्मलाइज्ड मार्क होगा। नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस लगाया गया है, जो कि हमने आपको एक वीडियो के थ्रू बताया था कैसे नॉर्मलाइजेशन होता है, और शॉर्टलिस्टिंग स्टेटस दिखाया जाएगा अभी कि स्टेटस में वो शॉर्टलिस्ट हुए हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए, और जो लिंक प्रोवाइड होगा आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर, आपने उनमें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ इस फॉर्मेट में डालनी है, पहले डेट फिर मंथ फिर ईयर, और क्लिक करोगे लॉगिन पर तो आपका रिजल्ट आपको सामने दिखाई देगा। बीवेयर ऑफ टॉट्स ब्रोकर्स एंड जॉब रेकेटर्स ओनली मेरिट कैन फेच यू ए रेलवे जॉब। तो आपने किसी भी तरह के धोखाधड़ी से, ब्रोकर से, इनसे बचना है, जो कि ग्रहों से बचना है, केवल मेरिट है जो आपको रेलवे में जॉब दिला सकती है। तो ये कहा है चेयरपर्सन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, और तारीख थी 2 मार्च 2019। जी हाँ, और रेलवे ने अब ऑफिशियली कह दिया है, तो अब इंतजार की घड़ियाँ समाप्त, और आज का इंतजार आपको और करना पड़ेगा, कल 3 बजे तक का इंतजार और फिर आपका ग्रुप डी का रिजल्ट आपके सामने। जी हाँ, आप देख रहे थे इंस्पिरेशनल गुरुजी, और अगर आप भारतवर्ष से जुड़ी किसी वैकेंसी की जानकारी अपने मोबाइल पर तुरंत पाना चाहते हैं तो बेल आइकन प्रेस कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वो आप मिस ना कर दें। धन्यवाद।